नमस्कार, मेरा नाम कमलेश चतुर्वेदी है और मैं IPL बायोलॉजिकल में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बसेड़ी जयपुर में हैं और खेती की अत्याधुनिक पद्धति जिसको हम लोग पॉली हाउस के नाम से जानते हैं, वैसे ही खेती करने वाले एक किसान राम निवास यादव जी हमारे साथ हैं। साथ ही में हमारे राजस्थान सेल्स को हेड करते हुए स्टेट हेड मिस्टर ध्रुव अग्रवाल जी हैं, तो हम लोग इनके अनुभव सुनेंगे राम निवास जी के कि IPL बायोलॉजिकल के कौन से प्रोडक्ट यूज किया, क्या परिवर्तन आया और किस तरह से गाइड किया ध्रुव जी ने, ये हम लोग देखेंगे आपके अनुभव को। तो राम निवास जी, आप खीरे की खेती कर रहे हैं और पिछले 8-10 सालों से आप खीरे की खेती करते आ रहे हैं और पिछले 3 साल से आप IPL बायोलॉजिकल लिमिटेड के साथ जुड़े हैं, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप IPL बायोलॉजिकल के कौन कौन से उत्पाद आप उपयोग में लेते हैं। मैं मुख्य रूप से IPL कंपनी के 3 प्रोडक्ट काम में ले रहा हूँ, जो मुख्य रूप से संजीवनी के नाम से है और एक उस संजीवनी में ट्राइकोडर्मा आता है और एक निमेटोफ्री के नाम से आता है और एक HD4 में माइक्रोराजा आता है। VAM-HD, आप 3 प्रोडक्ट संजीवनी, निमेटोफ्री और VAM-HD यूज ले रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि संजीवनी आप खीरे की फसल में कब और क्यों उपयोग करते हैं, मतलब को ऐसी कौन सी बीमारी है जिसके लिए आप संजीवनी को उपयोग में लेते हैं। सर, हम पिछले लगभग 7-8 साल से ये खीरे की खेती पॉली हाउस में कर रहे हैं, उसमें धूप का न के बराबर जाती है, इसके कारण इसमें भूमि जनित रोग आते हैं। इसके कारण हमने 2018 से अपने IPL कंपनी का संजीवनी के नाम से जो प्रोडक्ट आता है, भूमि जनित जैसे डैम्पिंग ऑफ की समस्या इसके अंदर आती है जो मेजर कीड़े के अंदर आती है, उसके लिए आप संजीवनी उपयोग में ले रहे हो। हाँ, उपयोग में लेने के कारण हमारे को भूमि जनित जो डंपिंग ऑफ से जो बीमारी आती है उससे पौधा मर जाता है और ये एक खीरे का बीज बहुत कॉस्टली होता है और 1 एकड़ में लगभग डंपिंग ऑफ से बीमारी आने के कारण 1000 से 1500 पौधे चले जाते हैं और जो अपना IPL का जो निमिट ये ट्राइकोडर्मा है संजीवनी के नाम से, उसको लेने के बाद में भूमि जनित जो भी बीमारियां हैं वो न के बराबर हो गई और निमिट ये अपनी जो फंगस जनित बीमारी है डंपिंग ऑफ वो लगभग न के बराबर है और इसको अपने फसल में मुख्य रूप से 2 या 3 बार काम में ले रहे हैं। 2 से 3 बार, मतलब कुल मिला के अगर बात करें तो संजीवनी को बिजाई के समय उपयोग में लेने से जो आपके 1000-1200 पौधे खराब होते थे वो अब आपके बच रहे हैं। हाँ सर, और पूरी फसल एक साथ बराबर चल रही है। हाँ सर, तो नेचुरली आपका नया खर्चा और केमिकल का खर्चा भी आपका बच रहा है। केमिकल का खर्चा तो मुख्य रूप से बच ही रहा है, पहले हमारे को 3-4 बार उसका केमिकल का फंजीसाइड आते हैं उनका चेंज करके ड्रेंचिंग करनी पड़ती थी, उससे निजात मिल गई है। ठीक है, एक आपने दूसरा प्रोडक्ट हमें बताया निमेटोफ्री, जो बेसिकली निमेटोड के लिए उपयोग में आता है, तो उसका उपयोग करने से आपको मतलब कैसे आपने उपयोग किया और कितना का आपको इसका फायदा हुआ? ये पॉली हाउस में बार बार खीरे की खेती करने के कारण अपने निमेटोड की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो IPL का एक प्रोडक्ट है निमेटोफ्री, उसको हम काम में लेने के कारण शुरुआती अवस्था में ही अगर फसल में काम में लेते हैं तो निमेटोड की लगभग समस्या से हमारे को पूरा छुटकारा मिल गया है और इसको शुरुआती अवस्था में और लगभग 1 महीने की क्रॉप में और फिर लगभग 45 दिन की क्रॉप में 3 बार काम में लेते हैं तो निमेटोड से लगभग अपने को 100% छुटकारा मिल जाता है। तो आपको एक जो खीरे की सबसे बड़ी समस्या है निमेटोड, उसका इलाज आपको IPL बायोलॉजिकल लिमिटेड से निमेटोफ्री के रूप में मिल चुका है। हाँ सर, तो आपकी फसल पूरे सीजन में निमेटोड से निमेटोफ्री से बची रहती है। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छा समाधान है। एक आपने तीसरा हमें प्रोडक्ट बताया VAM-HD, जो माइक्रोराइजा हाई डेंसिटी में आता है, उस प्रोडक्ट को आपने कैसे यूज किया और उसका क्या क्या रिजल्ट रहा? ये जो प्रोडक्ट HD4 में आता है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है और ये माइक्रोराइजा जीवाणु होते हैं इसमें जो अपने फसल में शुरुआती अवस्था में डालते हैं तो उसका जड़ों का मजबूती से विकास होता है, पौधे की जड़ें बहुत गहराई तक चली जाती है, उससे ज़मीन में पड़े अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को दूरी से भी ले लेती है, जड़ें मजबूत रहती है, उसके कारण पौधा भी हेल्दी रहता है, उसमें हेल्दी पौधे में अच्छे फ्रूट आते हैं, अच्छे फ्लावरिंग होते हैं और प्रोडक्शन में बहुत अच्छा इजाफा होता है और जड़ तंत्र को मजबूत रखने के लिए फसल के जीवन काल में अपने को 3 से 4 बार यूज में लेते हैं। एक बार
इसको 200 ग्राम यूज में लेने के कारण अपने को प्रोडक्शन और पौधे का जीवन काल बढ़ता है। अच्छा रहता है। तो आपने वैम एचडी जैसे आपने बताया कि शुरू में 200 ग्राम आपने बीघे का ये एक एकड़ में डाला है, तो वो डालने के बाद आपने इसमें देखा कि रूट जोन आपका अलग से विकसित हुआ है आपको? हाँ सर, इसको अपने एचडी फॉर्म के वैम को डालने के 3-4 रोज बाद में अपने कवर्ड इलाके मल्चिंग ऊपर करके देखते हैं ना, तो वाइट वाइट जड़े पूरे बेड के ऊपर टॉप पे अपने को दिखती है और ये एक अच्छा प्रोडक्ट है। और आपको ओपनली दिखता है कि डालने के बाद कि हमें जड़े मल्चिंग नीचे उठा के देखें तो आपको ओपनली दिखती है? हाँ सर। और एक आपने बताया कि फ्लावरिंग स्टेज के ऊपर इसका आप यूज में लेते हो 35-25-30 दिन की फसल में, तो ये डालने के बाद आपने देखा कि फसल के अंदर कोई ग्रीननेस या फ्लावरिंग में कोई बढ़ोतरी हुई है? सर, हमारा कहना यही है कि 35-40 दिन पर जब इसको डालते हैं तो पौधे की उस टाइम में क्रांतिक अवस्था होती है, और क्रांतिक अवस्था में पौधे को अधिक भोजन, अधिक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, और वो अपना जड़ तंत्र अगर मजबूत रहेगा तो ही संभव है। और ये अपना एचडी फॉर्म वाला जो माइक्रोराइजा है, एक पौधे के जड़ तंत्र को इतना मजबूत बना देता है कि पौधे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको भोजन मिल पाता है। तो आपको फसल बड़ी अच्छी और हरी भरी और फ्लावरिंग ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, तो आपको प्रोडक्शन भी नेचुरली है कि ज़्यादा मिलता होगा, और रसायनों का उपयोग कम होने के कारण नेचुरल आपकी लागत भी कम होगी जिसके कारण अल्टीमेटली लास्ट में आपको जो प्रॉफिट, जिसको हम कहते हैं लाभ, वो आपको ज़्यादा हुआ होगा। तो कुल मिला के अगर हम बात करें तो आईपीएल के साथ जुड़ने के बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में काफ़ी सुधार हुआ है। बिल्कुल सही है। तो मैं और सभी किसान भाइयों के लिए आपसे संदेश कहलवाना चाहूँगा कि आप क्या कहना चाहेंगे कि आईपीएल के बारे में उनसे? सर, मेरा तो यही कहना है कि किसानों को खेती अपने पुश्तैनी काम है उसको रेगुलरली करना है, और अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती को सजा कर रखना है। इसके लिए अपने बायोलॉजिकल प्रोडक्टों को काम में लेना चाहिए, और एक आईपीएल कंपनी ऐसी है जिनके प्रोडक्टों में दम है, क्वालिटी अच्छी है और इनका रिजल्ट भी अच्छा है। मेरा निवेदन यही है कि फसल अच्छी प्राप्त करने के लिए और अपना खर्चा कम करने के लिए इन तीन उत्पादों को काम में ज़रूर लेवें। धन्यवाद सब।